हेलो एवरीवन वेलकम बैक कंप्यूटर का चैप्टर नंबर सिक्स हम लोग पढ़ रहे थे एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट आज हमारा आज का हमारा टॉपिक है फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले देखते हैं देखो पे डेफिनेशन गिवन है फ्लो चार्ट की अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल डेपिक्शन ऑफ एन एल्गोरिदम ग्राफिकल डेपिक्शन का मतलब होता है कि चित्रात्मक वर्णन करना मतलब जो हमने एल्गोरिदम में पढ़ा था एल्गोरिदम क्या चीज है एल्गोरिदम होती है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स स ऑफ स्टेप्स कैरिड आउट फॉर अर गिवन प्रॉब्लम रिटर्न इनम्पल इंग्लिश लैंग्वेज जो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे स्टेप्स लिखे होते हैं हम ग्राफिकल डेपिक्शन दे दें यानी सिम्बॉल्स के फॉर्म में लिख दें तो उसको बोला जाता है फ्लो चार्ट ठीक है यानी फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल डेपिक्शन ऑफ एन एल्गोरिदम फ्लो चार्ट शोज द सिक्वेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ प्रोग्राम जितने भी इंफॉर्मेशन है सिक्वेंसली एक प्रोग्राम के वो सारे हम फ्लो चार्ट से शो कर सकते हैं फ्लो चार्ट पे वो शो कैसा किया जाता है सिम्बॉल्स के थ्रू ठीक है हम लोग अलग अलग आज सिम्बॉल्स पढ़ने वाले हैं हर सिम्बॉल्स का अलग अलग मीनिंग होता है उस मीनिंग के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन को सीक्वेंसली लिखते हैं ठीक है थीके? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर हेल्पफुल फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम प्रोग्राम को राइट करने के लिए लिखने के लिए फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वेरियस सिंबल्स आर यूज टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट बहुत सारे सिंबल्स यूज होते हैं फ्लो चार्ट को क्रिएट करने के लिए दिस सिंबल्स विद देयर नेम एंड मीनिंग एंड आर गिवन द बिलो टेबल यानी इन सिंबल्स का देखो सिंबल दिया हुआ है उनका नाम और उनकी मीनिंग गिवन है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो बुक में टोटल सिक्स सिंबल्स हैं ठीक है सिक्स सिंबल्स हैं और सारे के अलग अलग देखो नेम भी बगल में गिवन है तो एक एक करके सारे सिम्बॉल्स को पढ़ते हैं देखो सबसे पहले आप देख सकते हो ये वाला सिम्बॉल ये सिम्बॉल होता है स्टार्ट या एंड बॉक्स का कभी भी फ्लो चार्ट हम लिखते हैं तो उसमें स्टार्ट और एंड होना जरूरी है ठीक है स्टार्ट और एंड तो होता ही है स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करते हैं ये सिंबॉल से ठीक है दिख, दिख रहा होगा आपको रेक्टेंगल जैसा ही है लेकिन इसके जो कॉर्नर है ना वो सर्कुलर है तो सेमी सर्कुलर कॉर्नर है यहाँ पे तो ये वाली सिंबॉल है इसको बोलते हैं स्टार्ट या एंड बॉक्स इसकी देखो यूज क्या है इसकी मीनिंग क्या होती है इट इज यूज टू डिनोट द स्टार्ट और एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट मतलब इसके हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि फ्लो चार्ट कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां पे जाके खत्म हो रही है सेकेंड देखो ये है एक रेक्टेंगुलर शेप का सिम्बॉल जिसको बोलते हैं प्रोसेसिंग बॉक्स ठीक है ये है प्रोसेसिंग बॉक्स देखो इसकी मीनिंग गिवन है इट इज यूज्ड टू कैरी आउट अ प्रोसेस ये जो सिंबल है इससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि वहां पे कोई क्या प्रोसेस हो रही है ठीक है कोई क्या कौन सी प्रोसेस हो रही है प्रोसेस का पता लगाने के लिए हम लोग प्रोसेसिंग बॉक्स का यूज करते हैं देखो भी गिवन है पे फॉर प्रोसेसिंगल प्रोसेस लाइक एडिशन मल्टीप्लीकेशन आर डिनोटेड इन दिस बॉक्स जैसे आपको दो नंबर्स को एड करना है दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हम प्रोसेसिंग बॉक्स का यूज लेंगे ठीक है तो प्रोसेसिंग बॉक्स इज अ बॉक्स यूज टू कैरी आउट अ प्रोसेस थर्ड देखो थर्ड में एक सर्कल दिख रहा है आप लोगों को है ना ये होता है कनेक्टर 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 का मतलब होता है कि एक चीज को दूसरे चीज से जोड़ना है ना कनेक्टर देखो यहाँ पे इसकी मीनिंग गिवन है दिस इज यूज टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ अ फ्लो चार्ट टू अनदर ठीक है हो सकता है फ्लो चार्ट में दो अलग अलग पार्ट हो दोनों पार्ट को जोड़ने का काम कौन करता है कनेक्टर तो कनेक्टर का सिम्बॉल आप देख सकते हो ये सर्कुलर शेप ठीक है नेक्स्ट है देखो इनपुट आउटपुट बॉक्स ठीक है इनपुट आउटपुट बॉक्स थोड़ा सा देखो बेंड दिख रहा है आप लोगों को स्क्वायर जैसे ये थोड़ा सा बेंड है ठीक है ये वाली जो सिंबल होती है ये होती है इनपुट बॉक्स की इसकी मीनिंग देखो गिवन है क्वेश्चन यहाँ पे टेबल पे दिस इज यूज टू शो एन इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन इसका मतलब कभी भी आप फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हो है ना वहां पे दो नंबर्स का इनपुट लेना है आपको ठीक है तो इस बॉक्स का हम लोग हेल्प लेंगे इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट बॉक्स यहाँ से हम लोग इनपुट भी करवा सकते हैं आउटपुट भी करवा सकते हैं जैसे फाइनल आंसर को हमको शो भी करना है तो आउटबुट आउटपुट बॉक्स का हम लोग यूज करेंगे तो इनपुट आउटपुट दोनों पर्पज के लिए ये वाली शेप यूज करनी है नेक्स्ट है हमारा देखो डिसीजन बॉक्स ये थोड़ी देखो काइट के जैसे पतंग के जैसे है ना इसको बोलते हैं डिसीजन बॉक्स इट इज यूज टू डिस्प्ले अ डिसीजन और अ कंपेरिजन इन अ प्रोग्राम मतलब कोई डिसीजन लेना है कोई फैसला लेना है आपको है ना या फिर कंपैरिजन करनी है दो नंबर्स के बीच को कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है ठीक है इसका आंसर यस yes आएगा इसका आंसर नो no आएगा अगर कंपेयर करना है आपको कोई डिसीजन लेना है तो हम डिसीजन बॉक्स का यूज करते हैं ठीक है और इसके सिंबॉल देखो कुछ ऐसी काइट के जैसे होती है ठीक है और लास्ट में देखो एरोज है ना एक डाउनवर्ड एरो दिख रहा है आप लोग को एक अपवर्ड एरो ठीक है ये दोनों है ना ये बोलते हैं इसको फ्लो लाइन्स इसको बोलते हैं फ्लो लाइन्स द एरो डिनोट द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब ये वाली जो है ना डाउनवर्ड ये बताएगी कि फ्लो चार्ट ऊपर से नीचे जा रहा है और जो दूसरी वाली एरो है वो बताएगी कि फ्लो चार्ट नीचे से ऊपर जा रहा है ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है इन्फॉर्मेशन किस साइड फ्लो हो रही है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ठीक है तो ये सारे सिम्बॉल्स है ये सारे सिम्बॉल्स आपको याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ठीक है अब देखो रूल्स क्या क्या है फ्लो चार्ट को क्रिएट करने के ठीक है अगर आपको फ्लो चार्ट बनाने जाना है तो कौन कौन से रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा सबसे फर्स्ट रूल देखो देर कैन बी ओनली वन स्टार्ट एंड स्टॉप ऑब्जेक्ट इन द फ्लो चार्ट मतलब कोई भी फ्लो चार्ट का सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्ट और एक स्टॉप ऑब्जेक्ट होगा ठीक है एक ही स्टार्ट होगा और एक ही स्टॉप होगा एक से ज्यादा नहीं होंगे सेकेंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लाइन्स मस्ट बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट ठीक है फ्लो चार्ट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो टॉप से बॉटम आए मतलब ऊपर से नीचे आनी चाहिए या फिर लेफ्ट टू राइट ठीक है लेफ्ट साइड से राइट साइड जानी चाहिए ठीक है दोनों में से कोई एक ही डायरेक्शन होगा अब उल्टा मत कर देना कि बॉटम से टॉप बना दिए नहीं ठीक है डायरेक्शन कैसी होती है फ्लो चार्ट की सिर्फ और सिर्फ टॉप टू बॉटम या फिर लेफ्ट टू राइट थर्ड देखो एरो मस्ट ऑलवेज बी मार्क् विद एन एरो हेड ठीक है देखो एरो जो हमने बनाया ना इसमें एरो हेड होना चाहिए एरो हेड होने से हम लोग को पता चलता है कि फ्लो चार्ट का डायरेक्शन कैसा है ठीक है तो ये एरो में एरो हेड भी होना चाहिए ठीक कंपल है कंपल्सरी वो भी फोर्थ यूज प्रॉपर सिंबॉल एट ईच स्टेप लाइक इनपुट आउटपुट डिसीजन और प्रोसेसिंग ठीक है सारे जो सिंबॉल्स हमने पढ़े ना उनका हर जगह पे अच्छे से यूज करना है ठीक है कहां पे इनपुट आउटपुट बॉक्स आएगा कहाँ पे डिसीजन बॉक्स आएगा कहां पे प्रोसेसिंग बॉक्स आएगी है ना सारे बॉक्सेस को प्रॉपरली यूज करना है आप लोगों को ठीक है तो फ्लो चार्ट में जितने भी सिंबल्स हैं आप सबको इनको याद कर लो इनके मीनिंग्स को याद कर लो इनके नेम्स को याद कर लेना यहां पे देखो एक और डेफिनेशन की मैंने फ्लो चार्ट की अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसीजर यूजिंग द फ्लो लाइंस एंड सिंबल मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसीजर कोई भी चीज को करते हैं ना तो अलग अलग स्टेप्स में किया जाता है उसको बोला जाता है प्रोसीजर इनका क्या इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ड्रॉइंग के साथ पिक्चोरियल फॉर्म में आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसीजर यूजिंग फ्लो लाइन्स एंड सिंबॉल यानी फ्लो लाइन्स है ना जो एरो बताया था ना हमने ये फ्लो लाइन्स और इन सिम्बॉल्स का यूज करके हम इस प्रोसीजर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं इसी को बोला जाता है फ्लो चार्ट ठीक है यहां पे देखो क्वेश्चंस गिवन है ये क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से भी लिख सकते हो राइट द नेम ऑफ सिंबॉल विद देयर डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन यूसेज ठीक है वो किस काम में आता है तो आप देख सकते हो अलग अलग सिम्बॉल्स है ये सारे सिंबॉल्स हमने पढ़ा अभी तो ये आप लोगों का होमवर्क है आप लोग को इसको कॉपी में करना है ठीक है देखो यहाँ पे कैसा सिंबॉल दिया हुआ है ये किसका है आपने अभी भी पढ़ा था यहाँ पे टेबल में भी आप देख सकते हो टेबल की हेल्प ले सकते हो ये होता है डिसीजन बॉक्स डिसीजन बॉक्स इट इज यूज टू डिस्प्ले अ डिसीजन और कंपेरिजन इन अ प्रोग्राम ठीक है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे इसका नेम लिखोगे डिसीजन बॉक्स और इसका यूसेज लिखोगे इट इज यूज ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है सेम टू सेम आप लिख देना यहाँ पे इट इज यूज टू डिस्प्ले अ डिसीजन और कंपेरिजन इन अ प्रोग्राम ठीक है तो ऐसे ही सिमिलरली आप बाकी सिम्बॉल्स के नेम और उनकी डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे लिख लोगे ठीक है तो टोटल फाइव क्वेश्चन है तो इनको आपको करना है कॉपी में ठीक है तो आगे हम लोग जो फ्लो चार्ट बनाना है वो अगली की क्लास में सीखेंगे कि फ्लो चार्ट बनाया कैसे जाता है तो अभी तक आपका यही टास्क है कि आप इस सारे के सिंबल्स को पढ़ोगे और इसको बुक में पूरा लिखोगे ठीक है थैंक यू